गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे अच्छे होंगे। मेरा नाम लियान है और आई बिलोंग टू द ब्यूटिफुल स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि बचपन से हम देखते आते हैं, सुनते आते हैं केसर एंड जो इंग्लिश में कहते हैं सैफ्रन, लेकिन हमने आज तक देखा नहीं कि ये कैसे उगते हैं, ये कैसे इसकी देखभाल करनी होती है। तो उसी के चलते हुए आज मैं कश्मीर में हूँ एंड मैं एक केसर के फार्म में आया हूँ। और ये जो केसर है वो कश्मीर में भी एक स्पेसिफिक जगह पामपोर करके एक जगह है, इसी पे उगता है। ये फूल ऐसे होते हैं, यहाँ बहुत सारे फ्लावर्स आए हुए हैं एंड फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। घूमने अपने फ्रेंड के पास, पर उसने मुझे धोखा दिया और उसने मुझे कहा कि अपने खेत में चलने को कहा कि केसर की फार्मिंग दिखाऊंगा। और आज ये मुझसे दबा के काम करवा रहे, इससे मैं दिहाड़ी लेकर रहूँगा। वैसे ऐसा कहा जाता है कि 2014 में जो है पामपोर में और कश्मीर में बहुत बड़ा बाढ़ आया था, उसके चलते हुए, फ्लड के चलते हुए अब केसर की जो फार्मिंग है वो कम हो गई। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, यहाँ काफ़ी केसर के फूल है और इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप झुक झुक के आप काम करोगे तो आपकी कमर में इतने सारे दर्द हो जाएंगे आप बता भी नहीं सकते। एनीवे, चलो मैं आप लोगों से बाद में बात करता हूँ, पहले मैं काम कर लेता हूँ अपने दोस्त के साथ। फाइनली यहाँ का काम ख़त्म हो चुका है, अब हम यहाँ से दूसरे वाले खेत में जाएंगे। और उससे पहले मैं आपको एक लेक दिखाऊंगा, यहाँ के बहुत खूबसूरत माने जाते हैं। तो चलो हम चलते हैं लेक की ओर। गाइस, ये रहा यहाँ के लेक एंड काफ़ी खूबसूरत है। और ये पत्तियों को देख सकते हो आप, कितने पीले हो चुके हैं, अब बर्फ़ होने वाली है तो ये सारे पत्ते जो हैं ये सारे झड़ जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे बहुत ज़्यादा काम करवाया है, तो चलिए उतरते हैं। कितने खूबसूरत जगह है, देखो आप लोग एंजॉय करो, ऐसे जगह बहुत कम जगह देखने को मिलते हैं। मुझे आप लोगों को पता नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं यहाँ बार बार आऊँ। और ये यहाँ के पेड़ है, ये देखो, यहाँ से स्लोप ऐसे है, वहाँ से हम आए थे, अब वापस जा रहे हैं हम। चलिए चलते हैं दूसरे खेत की ओर। यहाँ मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि यहाँ जो आपका खेत होते हैं वो कम कम प्लॉट्स में होते हैं एंड उसी के चलते हुए यहाँ जो केसर के फील्ड होते हैं वो जो है वो दूर दूर जगह पे होते हैं, क्योंकि उसके चलते यहाँ पे खूब चलना पड़ता है। बट कोई बात नहीं, ये भी हम आजमा के देख लेंगे कौन सा मुझे यहाँ रोज़ रोज़ आना।
आप देख सकते हो वो जो ट्रीज पतझड़ के आते वक्त सारे पीले हो चुके हैं, एंड कुछ टाइम बाद यहाँ बर्फ़ होगी, एंड बर्फ़ के दौरान यहाँ पे बिल्कुल भी आपको पत्तियाँ देखने को नहीं मिलेंगे, सारे सूख जाएंगे। तो चलते हैं हम, लेट मी सी, मेरा फ्रेंड रहा उस साइड और मैं हूँ यहाँ। ये देख के मुझे अपने अरुणाचल की बड़ी याद आ रही है, वहाँ भी खेत होते हैं लेकिन इस तरह के नहीं, बिल्कुल अलग किस्म के। बट शहरों में रहने के बाद यहाँ आके इस तरह से आप नज़ारा देखने को मिले ना, ये अपनी आँखों के लिए एक तरीके के लग्जरी है। हाय गाइस, फाइनली मैं यहाँ दूसरे वाले खेत में आया हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ अभी इतना ज़्यादा केसर उगा नहीं है। आप यहाँ के नज़ारा भी देख सकते हो एक बार।